now I will explain to you the answers the questions question number one what is element and why is carbon called an element answer element is chemical substance that cannot be broken down into the thing simpler. कार्बन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन कार्बन एटम यानी एलिमेंट एक ऐसा कीमिया मादा है जिसको हम सादी चीज में तब्दील नहीं कर सकते हैं और कार्बन जो है वो एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें एक वन कार्बन एटम से ये मिलकर बनता है क्वेश्चन टू नेम एनी थ्री टाइनी पार्टिकल्स विच मेकअप एटम एटम को बनाने वाले जरात कौन से हैं आंसर द थ्री टाइनी पार्टिकल्स मेक ऐटम आर प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन यानी कि तीन पार्टिकल्स प्रोटोन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से एटम मिलकर बनता है क्वेश्चन थ्री वट इज द न्यूक्लियस कंटेन न्यूक्लियस में किन चीजों पर मुश्तम

एटम से डिफरेंट क्यों है आंसर हाइड्रोजन इज सिंपलेस्ट ऑफ ऑल एटम हाइड्रोजन जो है वो तमाम एटम से सादा है इट हैव इट हैज़ जस्ट वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन क्योंकि इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है क्वेश्चन नंबर सिक्स कार्बन हैज एटॉमिक नंबर सिक्स एंड द मास नंबर ट्वेल्व ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू शो द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑक्सीजन एटम अगर कार्बन के एटॉमिक नंबर है और इस मास नंबर ट्वेल्व है तो फिर आप ऑक्सीजन एटम को ड्रॉ करके इसके स्ट्रक्चर को हमें ड्रॉ करके आपने दिखाना है दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन एंड दे हैव ड्रॉन द मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विच हैज़ टू एटम्स वन ऑक्सीजन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम सो इट इज डिसाइडेड दैट अ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेंट टू ऑक्सीजन एटम ज्वाइन टूगैदर देअर फॉर द फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन गैस इज़ ओ टू ओके क्लास योर होमवर्क इज टू राइट डाउन दिज क्वेश्चन आंसर्स ऑन योर नोटबुक प्लस लर्न इट एंड ऑल द मीनिंग्स आपने इसके नोट करने हैं और अपनी फाइल पर लिखने हैं टेक केयर लाफ इज